एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा, मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी फट से उड़ जाती। अंत में शेर रुक गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ते उड़ते आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर उसे प्रणाम कर दिया और आगे बढ़ गई। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर ले लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी, देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। जाले मकड़ी के जाले से छूटते ही जो जो कोशिश करती गई, वह त्यों त्यों और भी अधिक फंस गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चलती बनी।